कश्मीर के अलग अलग जिलों में ये रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनकी पहचान की जाएगी, जिनके बारे में कमेटी तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करेगी और फिर गृह मंत्रालय को ये पूरी जो रिपोर्ट है इन रोहिंग्याओं के बारे में वो सौंपी जाएगी। तो 2014 और 2024 किस तरह से बढ़ी आबादी, ये भी हमने आपको बताया। और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाद सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बख्शी सर, आपसे करती हूँ शुरुआत। क्या कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले होंगे सुरक्षा बलों को, एजेंसीज को, कि आतंकियों की ओर से जो अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं, रोहिंग्या जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उस इनपुट के बाद आपको लगता है कि इस बड़े एक्शन प्लान की गई है तैयारी? थैंक यू वेरी मच। आप जो कह रहे हैं मैं एग्री करता हूं, पर ये जो सवाल है ये बहुत पहले से आ चुका था कि रोहिंग्या आ रहे हैं, जबकि जब जम्मू के कंटोनमेंट में अटैक हुआ था, हम लोग ही आपके ही चैनल पे बोला था कि रोहिंग्या बिल्कुल बगल में थे। क्वेश्चन है, उस टाइम कोई कुछ कर नहीं रहा था। अब धीरे धीरे जब ये कश्मीर का प्रॉब्लम आ रहा है सामने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीपर सेल्स की। जब स्लीपर सेल्स की बात आई तो रोहिंग्या की भी बात ऊपर आती है। सिर्फ रोहिंग्या पे कार्रवाई करने से नहीं होगा। वो ठीक है कि हम रोहिंग्या पे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पेपर बनाए हैं, इनको आधार कार्ड बनाए हैं, इनके लिए तो पानी बिजली का सब कनेक्शन दिया है, तो इनके इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनकी डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम तो ओरिजिनल वही है कि वो स्लीपर सेल्स जिसकी आपने तस्वीरें दिखाई, जिनकी अलमारियों और ड्रॉर्स और कबर्ड्स के अंदर गुफाएं बना के लोग छुपा रहे हैं, और कब से छुपा रहे हैं? जब मैं फौज में था तो जब हमारे कलीग्स कोर्समेट जब पेट्रोलिंग करते थे वो बोल बता रहे हैं कि उस समय छुपाते थे, सारे हस्बैंड्स घर से भाग जाते थे और टेररिस्ट अंदर रहते थे, औरतें कहती थी हमारे आदमी हैं। ये सारी चीज, ये इस चीज को किस तरीके से हटाएंगे, ये जो स्लीपर सेल्स है वो नीचे से लेके ऊपर तक बैठे हैं और शेयर ले रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस कहते हैं हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी पाकिस्तान ने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, ये स्लीपर सेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रहे हैं। रोहिंग्यास को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान है। देखिए, क्लियर चीज बात करनी चाहिए, ये सारा इस्लामिक गेम है और यही प्रॉब्लम है कि रोहिंग्या जो इस्लामिक वर्जन के रोहिंग्या है वही यहां मिलेंगे आपको, और नहीं मिलेंगे कोई। ये अजीब बात है, कहां से चल के आए, कैसे आए? जब हम बांग्लादेश के साथ मीटिंग करते हैं उनके साथ में ये इस प्रॉब्लम को अवगत कराए, उनसे पूरी की पूरी एक प्लान बनाए कि किस तरीके रोहिंग्या को रिपैट्रिएट करेंगे वापस बांग्लादेश में, उनके ऑफिशियल्स को बेशक बुलाए। ठीक है बख्शी सर, बहुत जरूरी चीज है जी। AK सिवाद सर के पास में जाती हूँ। सिवाद सर, आपको क्या लगता है कितना जरूरी था ये कदम? 2014 में 6000 थी संख्या, 2024 में बढ़कर 10,000 हो गई, लगभग डबल के बहुत नजदीक। कितनी बड़ी चुनौती है रोहिंग्या शुरुआत से ही देश के लिए? देखो अंजलि, ये तो बहुत बड़ी चुनौती शुरू से ही थी और इसका डर था, जो डर था जिस चीज का वही हुआ। देखो ये सच्चाई, 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या है वो रखाइन प्रोविंस से भाग के म्यांमार से वो बांग्लादेश में आए हैं और वो कोक्स बाजार में हैं, मगर बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि उनको वहाँ आइसोलेट करके रखा है, वो बांग्लादेश के अंदर घुस नहीं पा रहे। मगर ये जो रोहिंग्या वहाँ पर हैं वो कोशिश करें भारत में घुस, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। और ये सच्चाई है कि रोहिंग्या की हमारी कोई स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं बनी और इसका इस्तेमाल करके ये घुसते चले गए। और ये भी है अलग बात, जो घुसे थे कुछों को उन्होंने लीगलाइज करने की कोशिश, उनको बसा दिया ऐसी जगहों में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर या LC के नज़दीक हैं, जो जम्मू के अंदर बसे हैं। इसका मतलब जब हमें मालूम था कि रोहिंग्या एक प्रकार से इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये ISI जो इनका इस्तेमाल कर सकती है, ये स्लीपर सेवल और ओवरग्राउंड वर्कर बन सकते हैं। अब ये 10 साल से हैं, इनको वहाँ की टेरेन के बारे में भी पता लग गया, उनको इंटेलिजेंस भी हासिल हो गया,
तो ये एक भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है रोहिंग्या, और ये बार बार पॉइंट पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है मगर इस पर एक्शन नहीं हो रहा। और ये यही नहीं, और काफ़ी जगह में ये इलीगल जो रोहिंग्या भारत के अंदर घुसे हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनको डिपोर्ट करना चाहिए म्यांमार में, क्योंकि ये जो हैं इलीगली अंदर आए। जो आपने बताया 2014 में 6,000 थे, 10,000, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होंगे। इसकी जो पॉपुलेशन है इनका रिकॉर्ड नहीं है अभी। हम देर सही तो दुरुस्त है, मतलब इट इज बेटर लेट देन नेवर। तो अभी कम से कम आप ये कार्रवाई करने स्टार्ट किए हो। आप कठुआ में देखें हुआ क्या है, जो कठुआ पहले भी जब आतंकवाद था तब भी इतना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर 90% आपकी हिंदू पॉपुलेशन है, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल वहां होने के चांसेस बड़े कम थे। मगर ये जो ऑपरेशन जो अभी अंबुश हुआ है ये हमारी उसने आंखें खोल दी है कि किस प्रकार से ये आतंकवादी घुसते हैं, इनको स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, और ये एक प्रकार से अंबुश करते हैं और 5 जवान शहीद होते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो जब तक इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तब तक ये कार्रवाई हो नहीं सकती। और डर ये सपोर्ट जो है ये रोहिंग्याज हैं, ये बहुत ज्यादा लगता है। आपने कहा कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, और बिल्कुल ये संख्या ज्यादा है अगर पूरे भारत की हम बात करें। और पूरे भारत में मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी आऊंगी आपके पास, लेकिन बख्शी सर संख्या वाकई में बड़ी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को अगर देखें तो करीब 40,000 से 42,000 के आसपास देश भर में ऐसे लोग हैं, रोहिंग्या हैं, जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं। और ये दिल्ली NCR में भी हैं, ये राजस्थान में भी हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन जिस तरह से सख्त हो रहा है, बाकी राज्यों में भी इसी तरह से सख्ती होनी चाहिए? अंजलि जी आप ठीक कह रही हैं, और जैसे जनरल सिवाज बोल रहे थे ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये अभी उत्तराखंड का तो आपने किया नहीं कैलकुलेट, वो सबसे ज्यादा वहां पे उत्तराखंड में, और ऐसी ऐसी वैलीज में जाके छुपे हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता चला। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में मोल्स छुपे हुए हैं। जब आप व्हाइट पेपर लिखेंगे और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, मैं डिफेंस टर्म यूज कर रहा हूँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे फिर पता चलेगा कि किसने पेपर बनाए, किसने फाइल मूव करी। ये सब आना चाहिए हमारे टेलीविजन में, उनके नाम आने चाहिए कि जिसने फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं और इनको अलाउ किया है, तब पता चलेगा। ये तो सब अंदर की खिचड़ी पक रही है, ये ऐसे थोड़ी चुपके आ गए, वैनिशिंग क्रीम लगा के घुस गए। ये इनका बहुत सारा का सारा और सारी सरकारी मेथड से आए हैं, इसका मतलब है विद इन द गवर्नमेंट they have been helped। ये है प्रॉब्लम हमारी, ये कोई चुप चुप के तो कोई नहीं आया बेस बदल के। तो ये इसको हमको सारी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये वाइट पेपर है और ऐसे ये आए और इतने हैं और उनको क्या किया जाए। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बांग्लादेश की अथॉरिटीज को सबको अवगत कराना पड़ेगा, मेक इट पब्लिक एंड मेक इट एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कि ये हो रहा है। और जब तक आप अपने लोगों को नई इंक्वायरी करके सामने करेंगे तब तक वी विल नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। लोग हमारे सारी संस्थाओं पे गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाते रहेंगे कि ये कैसे हो गया, सडनली कैसे हो गया। आप देहरादून में जाके देखिए, आगे देखिए रोहिंग्या कैसे बसे हुए हैं, यू विल बी सरप्राइज। तो मैं मेरे ख्याल में ये जो म्यांमार की प्रॉब्लम है ये तो हमको पता है, बांग्लादेश स्मार्ट हो गया जैसे जनरल सिवाज बता रहे हैं, उन्होंने तो ठीक कर दिया, हम कैसे फंस गए इसके अंदर। ये जो हमारी जब नीति है ये समवेयर डाउन द लाइन डेमोक्रेसी का लोग फायदा उठा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये इसको किसी तरीके से ठीक करना पड़ेगा। संजीव जी CAA NRC जिसको लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला भी अक्सर हमने देखा है हमेशा शुरुआत से ही, हालांकि CAA उन लोगों को नागरिकता CAA के तहत दे रही है सरकार जिनके पास पूरे वैलिड डिटेल्स हैं, जिनके पास जो दस्तावेज हैं वो मौजूद हैं, लेकिन रोहिंग्या कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं रोहिंग्या? क्या वो इंटरनल फोर्सेस होती जा रही हैं जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि रोहिंग्या जो है इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं और ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। और ये रोहिंग्या बड़ी संख्या में ये म्यांमार से जब भाग करके इन्होंने